नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक केस दिखाना चाह रहा हूँ जो डायस्टेमा का केस है। दांतों के बीच में जगह बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें एक महिला है जिनकी उम्र है 45 साल की, जिनके दांतों के बीच में जगह है, हंसने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारे क्लिनिक में आई, हमने इनका इम्प्रेशन लिया, इम्प्रेशन लेके कास्ट बनाया, फिर इसको लैब में भेज के हमने इसके ऊपर वैक्सअप किया। वैक्स से हमने दांत की तरह एग्जैक्ट बनाया, फिर इसको हमने पॉलिश किया है क्योंकि अभी इस पर अच्छा नहीं है। फिर हमने तो इसको पॉलिश किया, पॉलिश करके थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश की है। इंटरडेंटल कार्विंग थोड़ी सी की है उसके ऊपर, हाँ, क्योंकि ये ब्लू कार्डिंग वैक्स है इसलिए अपने को इसमें क्लियर कट दिख रहा है। फिर एग्जैक्ट क्लियर हमने यूज़ किया है, एग्जैक्ट क्लियर से हमने जो है इसके ऊपर एग्जैक्ट क्लियर से हमने वाइट रजिस्ट्रेशन, ये एक क्लियर एक्रेलिक है, पॉलीविनाइल रेजिन है, जिसके वजह से हमने एक क्लियर ट्रे बनाएंगे और इस क्लियर ट्रे में एक होल करेंगे। देखिए अभी हम बना रहे हैं, लेबियल पार्ट में डाल रहे हैं इसको। अभी इसको थोड़ा देर वेट करेंगे सेट होने के लिए। एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट वन है। फिर इसको हम पेशेंट के मुंह में लगा के चेक करेंगे कि जो हमने ट्रे बनाया वो परफेक्ट है कि नहीं है, प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ये डायस्टेमा वाला दांत है, आप देख सकते हैं छोटे दांत हैं, टेढ़े, थोड़े से रोटेटेड हैं, टेढ़े हैं। फिर हम इस पर थोड़ा इंडेंटेशन बनाएंगे ताकि जो डायरेक्ट कंपोजिट हम इस पर रिस्टोर करेंगे वो उसके साथ पकड़ ले। फिर उसमें हमने एक होल बनाया था, जो क्लियर एक्रेलिक का ट्रे बनाया था उसमें होल बनाया था, उसके अंदर फिर हम जेनियल फ्लोएबल मटेरियल जो है इंड्यूस करेंगे, जो एग्जैक्ट क्लियर के साथ ही मिलता है, जीसी का प्रोडक्ट है ये। और उसके बाद हम लाइट की ओर दिखा के सेट हो जाएगा, फिर हम वो जो क्लियर ट्रे है उसको निकालेंगे। और देखिए कितना खूबसूरती से हम उसको निकाल रहे हैं, जितनी खूबसूरती से इसको निकालेंगे, देखिए क्लियर कट, पूरा इंजेक्टेबल मोल्डिंग टेक्निक के थ्रू सारा जितना आपने वैक्सअप किया था उस हिसाब से दांत बन गया। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे कारवार से, बहुत इजी है, एक्स्ट्रा पार्ट बहुत इजीली निकल जाता है। फिर लाइट की ओर दिखाएंगे, कहीं कुछ रिपेयर वपेयर करने का तो कुछ नौबत नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं कुछ रिपेयर करना होगा तो आप वहीं पर ऐड करके कंपोजिट उसको रिपेयर कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने क्लिनिक में पूरा पीपी किट पहन के। फिर उसको मैं पॉलिश कर रहा हूँ, कंपोजिट पॉलिश यूज़ कर रहा हूँ, कोल्टीन का आता है ये डिस्क, उससे मैं पॉलिश कर रहा हूँ उसको। कोरस, देन मीडियम, देन फाइन, डाइटेक का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हमने, डाइकॉम्प यूज़ किया, ये जीनियल फ्लो और एग्जैक्ट क्लियर हमने यूज़ किया था, जो उस मटेरियल दिखा रहा हूँ मैं आपको। जो कुछ एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल देंगे, वैसे एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर कुछ होगा तो उसको हम निकाल देंगे। पहले के लिए उसको एग्जामिन कर रहे हैं, देखिए कितना सुंदर बनाया मैंने दांत को। पेशेंट के मुँह में डायस्टेमा खत्म है, दांतों के बीच में कोई जगह नहीं है और आप पता भी नहीं लगा सकते कि कौन सा दांत बना है, इतना खूबसूरत बना हुआ है दांत। तो देखिए पेशेंट की स्माइल भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितना खूबसूरत है, बीच में जो डायस्टेमा का इंडेंटेशन आता है वो सारी चीज़ें पॉलिश करने के बाद बहुत अच्छा। देखिए स्माइल कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत पेशेंट के चेहरे पे बहुत सुंदर स्माइल। ये है डेंटिस्ट्री का मतलब, डेंटिस्ट्री हम लोग करते हैं तो जी जान से करते। देखिए देखिए खूबसूरती देखिए इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई डॉक्टर राजकुमार आर चौबे।